नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हर नागरिक को न्याय दिलाने के साथ ही उसकी समस्या के निराकरण के प्रयास में लगे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी शीर्ष अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह अपने कार्यालय में 2 घंटा बैठकर जनहित के कार्य करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव को ही हर रोज 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या सुनने और उसके निराकरण का निर्देश भी दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को बड़ी राहत देने के अभियान में लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने बीते दिनों अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार फिर से शुरू कर दिया है, जिससे कि लंबे समय से अपनी समस्या के निराकरण में लगे लोगों को राहत मिली है। वह रोज 2 घंटे अपने सरकारी आवास पर लोगों की समस्या को जानने के बाद उसका निराकरण भी निकालेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर इतने दिन से चल रही असमंजस की स्थिति आखिरकार खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार को सशस्त्र अनुमति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। सरकार अपनी ओर से यात्रा पर रोक का सख्त फैसला शायद नहीं करना चाह रही थी। कांवड़ संघों से ही बातचीत की गई, इस पर संघों ने खुद ही कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। सावन मास की धार्मिक परंपरा के तहत 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रस्तावित थी। वहीं उत्तराखंड सरकार ने तो इस यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन योगी सरकार ने इसके लिए सशस्त्र अनुमति दी है। निर्णय लिया गया है कि कांवड़ियों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। साथ ही कांवड़ संघों से अपील भी की गई है कि कम से कम श्रद्धालु यात्रा में शामिल हों। इधर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की भी आशंका है। डेल्टा प्लस मामले कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया। शुक्रवार को दाखिल जवाब में सरकार ने संक्रमण से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन, RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट जैसी दलीलें दी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आयोजन से अधिक जीवन की सुरक्षा के तर्क के साथ सरकार को निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा की अनुमति पर पुनर्विचार करे। अगली सुनवाई सोमवार को होनी थी। वहीं इधर योगी सरकार खुद से यात्रा को स्थगित नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि कांवड़ संघों से बात की जाए, कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका का पक्ष रखें। वहीं सीतापुर के शहर कोतवाली के पूर्णागिरी कॉलोनी में मकान बेचने को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि बेटों ने क्रिकेट बैट से मां और पिता पर वार कर दिया, जिसमें मौके पर ही मां की मौत हो गई। वहीं विवाद में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पिता ने पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया है। वहीं कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में 3 जुलाई को युवक को गोली मारी गई थी। वहीं घायल युवक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने पर परिजनों में गुस्सा दिखा। वहीं गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे जाम किया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। औरैया फफूंद थाना क्षेत्र में एक महिला अपने खेत पर काम करने गई थी, तभी तेज बारिश के साथ आकाश बिजली गिरने से महिला और एक मोर की मौत हो गई। वहीं पास में 2 लोग और अपने खेतों में काम कर रहे थे, वो भी घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनता के बीच में जाकर अपनी अपनी पार्टी का दमखम पार्टी नेता दिखाते नजर आ रहे हैं। वहीं सभी पार्टी नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी इस बार प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान में मुख्य अतिथि के तौर पर आप सांसद संजय सिंह अलीगढ़ पहुंचे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल की सरकार बनाने का जनता से आग्रह किया है और आप सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर जमकर तंज भी कसा है। सबसे पहले मैं मशहूर फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जी की शहादत पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवाद के वो शिकार हुए, लेकिन मैं इसके साथ ही अपने देश के प्रधानमंत्री की
भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक जाबाज पत्रकार के लिए संवेदना के एक शब्द नहीं बोले, जरा सा भी अफसोस जाहिर नहीं किया। क्या ये देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अफसोस जाहिर किया, दुनिया के तमाम पत्रकारों ने अफसोस जाहिर किया, हिंदुस्तान के तमाम मुख्यमंत्रियों ने अफसोस जाहिर किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी आप। वहीं लखनऊ में सपा नेत्री शालिनी सिंह ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शालिनी सिंह ने पीएम के काशी दौरे को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। सपा नेत्री ने बताया है कि वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने वाराणसी की जनता के साथ विकास कार्यों के नाम पर छलावा किया है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि सीवर और रोड जैसी बड़ी समस्याओं से वाराणसी के लोगों को अभी तक निजात नहीं मिल सका है, महज लाइट लगाकर शहर का सौंदर्यीकरण किया गया है। प्रमुख रूप से तो अभी आपने देखा कि बनारस चर्चा में रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ वहाँ और पूरे भर भर पेज विज्ञापन दिए गए बनारस की विकास की गाथा को गाते हुए। तो उसी पर मैं कहना चाहूँगी कि असल में बनारस की विकास की नहीं, विनाश की गाथा लिखी गई है। जो मूल समस्याएं हैं बनारस की, सीवर की समस्या है, जाम की समस्या है, गंगा जी का जो दुर्दशा अभी आपने हाल में देखी कि किस तरीके से 50-100 साल में जो नहीं देखा गया था कि लाशें उतराई हुई दिखाई दी गई और शैवाल जो कभी आज तक नहीं देखे गए थे, जो एक गंगा जैसी एक नदी जो कि अविर बहती है, जिसका नेचुरल फ्लो है, उसमें कभी आज तक शैवाल नहीं देखे थे, ये स्थिति आ गई। तो ये सब परिणाम है जो गंगा जी के विकास के नाम पर जो उसके साथ छेड़छाड़। वहीं आगामी विधानसभा को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर आई हैं। इसी मुद्दे पर निषाद पार्टी के हेड संजय निषाद ने बयान दिया है। संजय निषाद ने कहा है कि सपा बसपा ने निषादों को बर्बाद किया है। इसी के साथ उन्होंने जानकारी दी कि 2022 में सीएम योगी को सत्ता की कमान देने का संकल्प लिया गया है। आप भी सुनिए संजय निषाद का ये बयान। आरक्षण भले संविधान में लिखा था लेकिन लागू नहीं था, आज ऐसे लागू हो गया। 1900 जब आरक्षण नहीं लागू था तो उनके माँ के फूक से हरवा पैदा होते थे, जैसे आरक्षण में लिया हाकिम पैदा होते हैं। उसी संविधान में लिखा है कि केवट मल्ला मझवार हैं, इसकी पर्यावाची जातियाँ मझवार की। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन रखा है, 1961 की जनगणना की सूची भेज दिया कि केवट मल्ला को मझवार में गिना जा। तो वही गिनती कराने के लिए इनकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि पहले अपनी गिनती तो सही जगह कराओ, इन बेईमानों ने तुम्हारा नाम खिचड़ी में डाल दिया बिना पूछे। जब राष्ट्रपति ने कह दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुना गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि जनता की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कोरोना संक्रमण कम हो चुका है, इसलिए तहसील दिवस और थाना दिवस की व्यवस्था को अच्छे से लागू किया जाए। वहीं समाधान दिवस कई शिकायतों को सुना गया है और लोगों की समस्या का जल्द ही हल निकालने को भी कहा गया है। कह रहे हैं आप तुमको मार डालेंगे, पहले उन्होंने आए और हमारे घर में घुस गए, फिर हमारी बहुओं को खींचने लगे। तो हमने वहाँ पर जाकर कहा कि भैया अपने घर चले जाओ, हमारी बहुओं को ना खींचो। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम खींचेंगे, तो क्यों हमारे साथ इतना अत्याचारी हो रही। तो हम कहें भैया आपके पापा से बात हुई कोई अत्याचार। वहीं कौशाम्बी के 12 ब्लॉक में ग्राम प्रधान को धमकियां मिल रही हैं और प्रधान को ये धमकियां पंचायत मित्र के द्वारा मिल रही। जानकारी मिली है कि पंचायत मित्र अवाना आलमपुर प्रमोद यादव ने मनमानी की और विकास के नाम पर पैसों को निकाल लिया। आरोप ये भी है कि पूर्व प्रधान के समय में भी पंचायत मित्र ने घोटाले किए हैं और नव निर्वाचित प्रधान को पंचायत मित्र के घोटाले की बात पसंद नहीं आई। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पंचायत मित्र को ग्राम विकास अधिकारी की शह मिली हुई है। ने धमकियां नहीं दिया है, ये गांव पर आदमी लोग खबर लेके आते हैं कि तुम्हारे में कुछ दम नहीं है, सब जगह सब काम पंचायत मित्र करेगा। कहते हैं कि नरेगा का काम बिगाय प्रधान के पूछे काम कार्य करा रहे हैं।
जी क्या सही है क्या गलत है जी। 10 आदमी का काम करते हैं, 20 आदमी का नाम भरे हैं। अच्छा, 10 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोगों को हाजिरी लगती है। हाँ, जी ऐसा पैसा निकाल के सब बेजूर खर्च हो रहा है। अच्छा, घोटलेबाजी ज्यादा हो रही है। अच्छा, तो इसमें आपके यहाँ जो मतलब पूर्ण प्रधान थे, क्या उसमें भी कुछ घोटालेबाजी हुई है? बहुत, उनको तो बहुत बेवकूफ बनाए। अच्छा, तो यहाँ पे मौजूद है पूर्ण प्रधान? हाँ मौजूद है ना, उनको प्रधान भोला यादव। वही खबर गोरखपुर से है, जहां नगर निगम ने शहर के अंदर अपनी जमीनों को तलाशने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर नगर निगम के गेस्ट हाउस में नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में रेंट और लाइसेंस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी, नगर निगम के तहसीलदार सतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि नगर निगम अब तक अपने जितने भी विवादित जमीन, नगर निगम की जिन जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जो जमीनें मुकदमे में फंसी हैं, उन सभी जमीनों कल की लिस्ट तैयार करेगी और उन्हें खाली करवाकर उनकी घेराबंदी भी करेगी। वहीं औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। इसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ प्राथमिक इलाज के बाद उसे सैफई मेडिकल के लिए रेफर किया गया है। वहीं इस गोली कांड से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। वहीं औरैया में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस के आला अधिकारियों ने बिधुना थाने का निरीक्षण किया। समाधान दिवस के मौके पर डीएम सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने फरियादियों की बात को सुनते हुए उनकी समस्या का समाधान निकालने की बात कही है। साथ ही औचक निरीक्षण कर थाना परिसर को चेक किया गया और कमियों को दूर करने के लिए लोगों को फटकार भी लगाई गई। काफी दिनों बाद कोविड महामारी के चलते तहसील दिवस की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, आज तहसील दिवस की कार्रवाई हुई है और काफी जो प्रखंड थे वो भूमि विवाद से संबंधित थे और कुछ प्रकरण अन्य जो पुलिस कार्रवाई है उससे भी संबंधित थे। जैसे जैसे अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, वैसे वैसे और भी लोग तहसील दिवस में अब आते जा रहे हैं और जो भूमि विवाद है उसके लिए थाना दिवस का दिन हमारे द्वारा जो करा जाता है कार्रवाई, उसमें ये जितने भी मामले हैं, चाहे वो तहसील दिवस में आए हों, चाहे थाने में अन्य फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।